उड़ीसा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, और विशेष तौर से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनको कि आज तक छुपा के रखा गया कि किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन में, किस प्रकार से आजाद हिंद फौज में उड़ीसा के वीरों ने अपना योगदान दिया, उसकी महत्ता किसी से भी कम नहीं है। भागमती चरण पाणिग्रही जी को मैं इसी श्रेणी के क्रांतिकारियों में रखता हूं। एक साहित्यकार होते हुए, प्रगतिशील विचारों से प्रभावित, किस प्रकार से वो फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक में आने के बाद में किस प्रकार से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद के लिए भारत में उनके लिए समर्थन जुटाने में जो प्रयास वो करते हैं, मेरा मानना है कि उन पे अभी कुछ और शोध की भी जरूरत है। जिस संदेह में उनको गिरफ्तार किया गया और जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न किया गया, टॉर्चर किया गया पुलिस जेल में, टॉर्चर से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो जो फाइल्स हैं उस जमाने की सीआईडी की फाइल्स जो है, क्योंकि उसपे उनपे निगाह रखे हुए थे अंग्रेज। और एक चीज मत भूलिए कि चिल्का और कोणार्क के तटों के ऊपर लगातार आजाद हिंद फौज के सैनिक पनडुब्बियों से उतर रहे थे, और सबसे पहले वो लोग पुरी में शरण लेते थे जाकर के, पुरी में जाकर के वायरलेस स्टेशन एस्टेब्लिश करते थे, उनको लोकल मदद मिली हुई थी। और मेरी तो अब ये पूरी अवधारणा है कि भागमती चरण पाणिग्रही जी ने उन सबकी मदद की,